दोस्तों, दान तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा दान क्या है? आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी अनोखी कहानी सुना रहा हूँ जिससे आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि सबसे बड़ा दान क्या होता है। तो दोस्तों, ये रोचक कहानी कुछ इस तरह है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब यह पता चला तो वह उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे भगवान गौतम बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिम्बिसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नंगर सेठों ने भी धन धान्य और स्वर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति इंगित कर देते थे। भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह बुद्ध से बोली, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिल गया, मैं उसे खा रही थी, तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास आधे खाए हुए आम के सिवा कुछ भी नहीं है। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ, कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। वहाँ उपस्थित अपार जनसमुदाय, राजा महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आधा आम स्वीकार किया। सम्राट बिम्बिसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, भगवान, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस बुढ़िया के झूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतर कर आ गए, इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? तब बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वह तो आपकी संपत्ति का कुछ अंश ही है, और उसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया, फिर भी उसके मुख पर इतनी नम्रता और करुणा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि दान वो नहीं होता जो अहंकार के साथ और दिखावे के लिए किया जाए। सबसे बड़ा दान तो वही होता है जो सच्ची श्रद्धा और भाव के साथ किया जाए।